आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं अभी शाम का समय हो गया है, यानी 6:30 हो गया है। तो मेरी गाय आज जल्दी आ गई है, तो मैं आज गाय को खाना देती हूँ, उसके बाद काउ मिल्किंग करूँगी यानी गाय दूँगी। तो आप सब बहुत कमेंट करते हैं हर ब्लॉग में, मैं कुछ भी डालती हूँ उसमें कमेंट आता है कि मैम यानी आप काउ मिल्किंग का वीडियो अपलोड करिए। तो मैं आज ठान ली हूँ कि आज काउ मिल्किंग का वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मेरी बाछी देखिए यहाँ बड़ी हो गई काफ़ी, और गाय देखिए आ चुकी है, आज जल्दी आ गई, यानी सुबह खोले थे तो सुबह दोपहर में नहीं आई थी घर, एक ही बार शाम को आई है 3:30 के करीब। तो बांध दिए और नहीं खोले, और चर के आई है तो इसमें एक एक टब दे देंगे, काफ़ी है लोग के लिए क्योंकि पेट भर के आती है। तो हम यहाँ से चारा लेके आते हैं बोरा से, और ये मेरा मशीन है जिसमें घास या पुआल काटते हैं। खुली है, बांधे नहीं है, तो इसको बांध देते हैं। चल 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 अपने जगह में, चल चल। लोग से थोड़ा सा डंडा दिखाना पड़ता है, नहीं तो सुनती नहीं है, इधर उधर अपना मर्जी। चलो से काफ़ी परेशान थे क्योंकि घर में शादी था देवर जी का, तो हम बस शादी में ही बिजी थे और घर में भी काफ़ी मेहमान थे, तो आप लोग के कमेंट के अनुसार वीडियो नहीं हो पा रहा था। तो हम बस शादी वाला ब्लॉग ही डाल रहे थे, तो हम 3-4 पार्ट्स में शादी ब्लॉग्स को डाले हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और कल शिव जी का मंदिर वाला ब्लॉग भी बनाए थे, उसको भी डाले हैं, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। मेरा गांव और मेरा गांव से गांव के सामने मेरा मंदिर है जो आपको देखने मिलेगा ब्लॉग में, तो आप लोग देखिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा है। और अगर कुछ गलती है यानी कमेंट में बताइएगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या कुछ कमी है मेरे वीडियो में, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे खुशी होगी कि आप सब मुझे कमेंट करते हैं और बताने का कोशिश करते हैं। और आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक भी करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो चलिए हम बस खाना लगा देते हैं गाय का। कम ही देते हैं, और क्योंकि ये लोग छोड़ देती है ज़्यादा देने से, चर के आती है, अभी घास भी बहुत है बाहर इसलिए कम देते हैं। Thank you.
सारा हम ले लिए हैं और दोनों को दे देना है, आधा आधा करके डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, हम बाछी को खोल दिए हैं और वो दूध पी रही है। तो अंधेरा दिखेगा थोड़ा सा आप लोगों को, क्योंकि रात हो चुका है। देखिए अंधेरा काफ़ी हो गया है, दिन रहता है यानी सुबह का टाइम में थोड़ा अच्छा से दिखता है, बट ऐसे थोड़ा अंधेरा दिखेगा उसके लिए क्या बोलें, सॉरी। तो हम बाछी को खोल दिए हैं, अब उनको छान लेते हैं गाय को। Thank you.
इसको खोल देते हैं। सुपी के लाटो ने बाल्टी। तो दोस्तों देखिए, हम पूड़ी बनाए हैं आज, और नारियल कल पूजा किए थे, उसका नारियल बचा हुआ था तो उसका हम लड्डू बना दिए हैं नारियल का। और इधर हम चना फ्राई किए हैं, तो इसमें चना फ्राई है मेरा, देखिए। और इधर खीर बनाए हैं, गाय जो बच्चा की है उसका फेनस है, तो उसके लिए हम खीर बनाए हैं, उसी से बनाए हैं। और ये दूध है मेरा, तो इसको अभी ढक के रख देते हैं क्योंकि हस्बैंड का आने में थोड़ा टाइम है। और मेरा बाबू को देखिए, उधर कंप्यूटर में पिक्चर लगा के देख रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी बस मैं छत आ गई हूँ खाना लेके। तो आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय दोस्तों, गुड नाइट।